उत्तर प्रदेश से पुलिस विभाग का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो हैरत में भी डाल रहा है, तमाम सवाल भी खड़े कर रहा है। यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने एक ऐसा कारनामा किया है जिससे वहां मौजूद तमाम उनके साथी, तमाम पुलिस अधिकारी हैरत में पड़ गए। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए ट्रेनिंग दी गई और साथ ही पद पर बिताने के बाद गोली चलाई कैसे जाती है, गोली का भी कैसे डालते हैं। सब इंस्पेक्टर ने एक गोली जब डीआईजी के सामने नली में डाली तो वह हैरान रह गए। डीआईजी के साथ थाने में मौजूद सभी पुलिसकर्मी भी इस बात पर हंसने लगे। दरअसल बस्ती रेंज के डीआईजी आरके भारद्वाज संत कबीर नगर के दौरे पर थे। मंगलवार को वो निरीक्षण पर खलीलाबाद थाने पहुंचे। यहां उन्होंने थाने में आर्म्स निरीक्षण का हाल देखा। इसके बाद वहां तैनात सभी पुलिसकर्मियों को पिस्टल, राइफल, टीयर गन समेत अन्य हथियार चला कर कहा गया। डीआईजी ने इसे भी जब एक सब इंस्पेक्टर को बुलाया और हथियार चलाकर दिखाने के लिए कहा, सब इंस्पेक्टर उनके सामने राइफल में नली से गोली डालकर घर चलाने का प्रयास करने लगे। ये देखकर डीआईजी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। साथ ही थाने पर मौजूद तमाम अन्य पुलिसकर्मी भी दंग रह गए। डीआईजी ने इसके बाद कहा कि अगर पुलिसकर्मी गोली चलाना नहीं जानते और पिस्टल तक खोल नहीं पा रहे तो जान भी जा सकती है। उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों को आपात स्थिति के लिए प्रैक्टिस करने के लिए कहा। एक तरफ जहां ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, इसके बहाने लोग तमाम मौज भी ले रहे हैं, ये भी पुलिस की फजीहत भी हो रही है, जाहिर सी बात है। वहीं दूसरी तरफ ये वीडियो तमाम सवाल भी खड़े कर रहा है। सवाल पुलिस प्रशासन पर भी खड़े हो रहे हैं और इसके अलावा पुलिस की जो तैयारियां हैं, ट्रेनिंग है, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।